300 रुपए का शेयर मिल रहा है, 30 रुपए में दोस्तों 10 गुना बढ़ने का देखो ग्रोथ रख रहा है शेयर, क्या आपको करोड़पति बना सकता है? डेटा एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं वीडियो पर दोस्तों, चैनल को ग्रोथ होने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो ये शेयर दोस्तों अभी ये 28 का लो बनाया था दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले, फिर अभी इसके बाद ऊपर थोड़ा सा गया है, 35 रुपये के आसपास आया है दोस्तों, और इसका हाई एक साल का हाई 48 है, मतलब ये इसके लो के आसपास ही नजर आ रहा है दोस्तों। और इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो देखो 40,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एकदम लार्ज कैप कंपनी के आसपास है दोस्तों ये, और बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, ऐसा रेट के पर मत जाओ आप। और यहाँ पर इसका पी देखो 13 नजर आ रहा है, मतलब एकदम कम है, इंडस्ट्री पी 10 के इसके आसपास पी नजर आ रहा है। और दोस्तों इसका बुक वैल्यू देखेंगे, मतलब बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका रेट एक शेयर का रेट देखो 88 नजर आ रहा है, इसका रेट आप देखो 30 के आसपास, तो ये देखो कितना सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 0.4, मतलब कितना एक से कम, मतलब कितना कम दोस्तों, बहुत ही सस्ता नजर आ रहा है। ROCE और ROE थोड़ा कम है दोस्तों, बीच में एक कंपनी में जैसे कि बहुत लॉस हो गया था, इसके वजह से ये डाउन हुआ था बहुत, आगे चल के हम देखेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, 73% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके रखा हुआ है दोस्तों, कोई प्लेज नहीं है, और बाकी का तो ये बैंक है, इसमें तो डेट टू इक्विटी देख कर मतलब नहीं है। PEG रेशियो देखो ग्रोथ एक से कम होना चाहिए, देखो एक से कम है तो बहुत जबरदस्त है दोस्तों ये। और डिविडेंड यील्ड देखो 1.79, अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, फेस वैल्यू 2 रुपए का, इंट्रिंसिक वैल्यू देखो ये 43-44 तक नजर आ रहा है उसको, इसका रेट देखो 35 के आसपास नजर आ रहा है। हर एक पैरामीटर से देखा जाए तो बहुत ही सस्ता नजर आ रहा है दोस्तों, तो ये आगे बढ़ने का पूरा दम रखता है दोस्तों। इसलिए इसके चार्ट में देखते हैं, चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों ये अब देखो ये 2005 में भी 79 से का रेट का नजर आ रहा है, अब यहाँ पर अचानक बढ़कर देखो ये कितना 275 300 के आसपास से गया हुआ है दोस्तों, उसके बाद नीचे गिरावट हुई 96, फिर ऊपर गया, मतलब एक गिरावट होने के बाद ऊपर जाता है देखो, यहाँ पर 224 तक गया है, फिर यहाँ पर 83-76 तक गया है, फिर यहाँ पर बढ़ा हुआ है 190, अब देखो यहाँ पर गिरा है दोस्तों, अभी यहाँ से 28 के बाद से दोस्तों ये बाउंस बैक इसमें नजर आ रहा है दोस्तों, कि ये बढ़ने का पूरा चांसेस पूरा नजर आ रहा है दोस्तों इसके अंदर। और एक साल में अगर देखेंगे एक साल में क्या मूवमेंट हुआ है, तो एक साल में देखो यहाँ पहले एक साल पहले तो देख 36 तक था, उसमें बढ़ा 46 तक गया, फिर उससे बाद तो लगातार गिरावट हुई है रही है दोस्तों, ये 28 के आसपास तक गिरा था, उसके बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अभी इसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज जो था दोस्तों, तो ये भी इसने काट दिया है, तो ये इसका पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है दोस्तों। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज 34 पर है, तो ये उसके ऊपर ही देखो क्लोज हुआ है 35.7, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, 200 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो इसमें ये चांसेस है कि अभी ये ऊपर ही जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे इसका, तो क्वार्टरली रिजल्ट जून 22 का रिजल्ट जो है थोड़ा इसमें खराब आया था दोस्तों, जैसे कि जून 21 में इसका सॉरी, अब यहाँ पर देखें रिवेन्यू देखेंगे, जून 21 में 19,237 का रिवेन्यू था दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, 19,144 करोड़ हो गया, लेकिन है तो सही बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो अदर इनकम होता है नॉर्मल जून में देखो ज्यादा होता है, देखो पिछले जून में भी 3,800 के आसपास था, ये जून में भी 3,800 के आसपास था, लेकिन ये जून में कम हो गया, देखो 1,500 करोड़ के आसपास, देखो ये डाउन होने के कारण इसका प्रॉफिट गिर गया है सॉरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसके वजह से इसका प्रॉफिट गिर गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे जून 21 में 1,168 करोड़ का देखो नेट प्रॉफिट था, यहाँ पर 282 करोड़ का है, तो इसके वजह से ही शेयर बहुत गिरा तो बहुत है दोस्तों ये, और लेकिन इसलिए और भी नहीं गिरा, रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी गिरा नहीं दोस्तों ये और भी, और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर तो 2011 में देखो इसका रिवेन्यू 27,551 करोड़ था, तो उसके बाद देखो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हो रही है, हो रही है, अब देखो यहाँ पर 76,000 करोड़ के आसपास देखो जा रहा है ये, तो ये देखो रिवेन्यू में कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है 10-12 सालों में,
अच्छा ग्रोथ हो रहा है और नेट प्रॉफिट लेकिन नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। इसकी वजह से ये इसका कमजोरी का कारण यही है। बीच में इसमें जैसे कि वो फ्रॉड वगैरह हो गया था, इसके वजह से लॉस काफ़ी हो गया था यहाँ पर। 2018 के बाद से बहुत थोड़ा कमजोर था, बाद में 20 से ये बाउंस बैक होता जा रहा है यहाँ पर आप देखोगे। तो ये 3-4 साल से अच्छा खासा हो रहा है और आने वाले समय में थोड़ा जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये एक्सट्रीम लेवल पर जैसे पहुंच जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा यहीं पर प्रॉफिट में इसमें थोड़ा सा देखो यही लेवल पर आता है प्रॉफिट दोस्तों, तो ये सेम जो 300 का जो रेट था वो पक्का ये वहां तक चला जाएगा दोस्तों, 10 गुना तक ये जाने का दम रखता है। बैलेंस शीट में भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर कैपिटल भी देखो बढ़ता जा रहा है और रिजर्व में भी आप देखोगे तो रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो 22,000 करोड़ था, यहाँ पर देखो 95,000, यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। बोरोइंग में भी देखो 3,50,000 करोड़ बोरोइंग था और ये 12,00,000 करोड़ हो गया, सॉरी 12 लाख, अभी 12,13,606 इतने का देखो यहाँ पर बोरोइंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्लियर कट अपने बिजनेस बढ़ा रहा है और इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट में देखो 96,911 करोड़ था जो कि बढ़कर देखो 3,88,000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा जम के इसमें पैसा लगाया। और यहाँ पर इन्होंने लोन वगैरह भी जो दिया है अदर एसेट में आता है, देखो 2,86,000 करोड़ था, यहाँ पर 9,40,000 करोड़ देखो नजर आ रहा है। तो ये भी हर एक लेवल पे देखो यहाँ पर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है दोस्तों। कैश फ्लो में भी देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पीएनएल में पड़ा है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो 19,000 करोड़ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 73.15% है, FII का भी लगा हुआ है 0.99% और DII भी 11.45% लगा हुआ है। DII में देखो कौन कौन लगे हुए हैं, LIC ने लगा के रखा है, HDFC ने लगा रखा है, इन सब बड़े बड़े लोगों ने लगा के रखा है। FII में भी देखो सोसाइटी जनरल है, ODI, ये सब देखो अलग अलग ये इसमें से भी नजर आता है कि ये आगे चलकर अच्छा खासा हो सकता है दोस्तों। तो इसमें देखो मैंने प्लस प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको बताया है दोस्तों। इसमें कोई भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, मेन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा यहाँ तक आप आए हो तो दोस्तों, क्योंकि लाइक के बटन दबाने से हमको एनकरेजमेंट मिलता है, वीडियो और आगे बढ़ती है दोस्तों। प्लीज थैंक यू।